हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजवंत सिंह मौर्य, मोटिवेशन स्पीकर, रियल स्टेट ऑथर एंड रियल स्टेट मेंटर। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रियल स्टेट से हटके दृष्टिकोण के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर है। ये जो चैप्टर है मेरी किताब नॉट मैड सो बैड या बिना जुनून नहीं सुकून, उसमें से लिया गया है। इसमें मैंने दो आदमियों को कंपैरिजन किया है जिनके साथ एक तरह की घटना घटती है और एक आदमी बहुत ऊपरले लेवल पर चला जाता है और एक आदमी अपने आप को ही खत्म कर लेता है। सबसे पहले मैं उस आदमी की बात करूंगा जो मेरे साथ मेरे बैंक में काम करता था। उसका नाम था विनोद कुमार और वो जलंधर में कार्यकर्ता था। जलंधर से चंडीगढ़ आने में उसका रास्ते में बस रुकी और चाय पानी पीने के लिए जो ढाबे पर रुकती है वहाँ रुक के रोड क्रॉस करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग कट गई। और महीना, दो महीने, चार महीने उसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फिर पता नहीं कैसे डिप्रेशन आया उसको, कैसे मतलब उसको एकदम मतलब अपने आप में वो एक घातक विचार उसके मन में, दृष्टिकोण बन गया कि उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को ही मार लिया, ख़त्म कर लिया। दूसरी घटना, दूसरा आदमी, दूसरी शख्सियत अरुणिमा सिन्हा 2013 में लखनऊ से दिल्ली के लिए आ रही है ट्रेन में और रास्ते में लुटेरों ने उसको लूट लिया, लूटने की कोशिश की और वो लुटेरों से भिड़ गई और भिड़ने में लुटेरों ने उसको धक्का दे के ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उसकी टांग कट गई। दोस्तों, वो भी इलाज के लिए गई। जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई, जितनी देर भी वो हॉस्पिटल में रही तो वो बार बार ये सोचती रही कि मैं तो बिल्कुल विकलांग होगी, मैं तो चलने के काबिल भी नहीं रही। एथलीट थी वो, लेकिन पता नहीं उसने कैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप किया, कैसा दृष्टिकोण उसने अपने अंदर बनाया कि वो ये सोचने लगी कि मैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के रहूँगी, मैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूँगी। तो वो जब उसका भाई उसके साथ हॉस्पिटल में थे तो वो बातें करने लगी तो वो उनको उसको मतलब सीरियसली नहीं लेते थे कि ये क्या पागलों वाली बातें कर रही है। तो जब उसको जिस दिन उसको छुट्टी मिली तो वो उसी दिन छुट्टी लेके लखनऊ घर जाने की बजाय विचेंद्री पाल, जिसने पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, उसके घर चली गई। तो उसके घर जाके उसको बताया कि मेरा ये इरादा है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। तो विजेंद्री पाल बहुत हैरान हुई कि ये क्या है, पागलपन है, वहाँ तो दो टांगों वाले नहीं चढ़ सकते, तो आपकी तो टांग ही एक है। तो वो कहती नहीं, जो मर्ज़ी हो, या मैं रहूँ ज़िंदगी में या ना रहूँ, लेकिन मैंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने करना। तो उसकी जज्बे के आगे, उसके जुनून के आगे, उसके पागलपन के आगे विजेंद्री पाल ने सरेंडर कर दिया और उसको ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दी। तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, उसने माउंट एवरेस्ट फतेह की और एम्पुटी, जिसको कहते हैं हैंडीकैप्ड होते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जो टाइटल है वो अपने नाम पे किया, वर्ल्ड टाइटल अपने नाम पे किया। सो दोस्तों, बड़ी सिंपल बात है, एक आदमी की टांग कट रही है, वो मरने की बात कर रहा है, मर रहा है या सुसाइड कर रहा है, अपने बच्चों को मतलब उसके बच्चे रुल गए और मतलब बहुत कुछ उसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ से एक लड़की है और उसकी टांग कट गई और टांग कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रही है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के उसने प्रूव कर दिया कि जो इरादे हैं वो कहीं भी आपको लेके जा सकते हैं। मानसिक जो अपंग है, लोग मानसिकता जो हमारे जो अपंगता हमारे दिमाग में है, यदि वो आपके दिमाग में है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप शारीरिक तौर पर उसमें अपंग हो तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यदि आप देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई कुछ था और उन्होंने टॉप की मतलब वर्ल्ड लेवल की खोजें की, जिनमें थॉमस एडिसन भी था और थॉमस एडिसन ने कहां से कहां मतलब अपने आप को कहां से कहां ले गया। और ये सिंपल बात ये है कि यदि आप शरीर के तौर पर कमज़ोर हो और दिमागी तौर पर स्ट्रांग हो तो आपको बिल्कुल कोई आदमी रोक नहीं सकता आपकी मंजिल पाने के लिए। सो शारीरिक तौर पर अपंग होना, शारीरिक तौर पर अपाहज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी को दिमागी तौर पर अपाहिज नहीं होना चाहिए। यही इस वीडियो का
मैसेज है, यही इस वीडियो का कंटेंट है। सो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाओ, और ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप ज़िंदगी में उनका भी दृष्टिकोण बदल दे, अपना भी दृष्टिकोण बदल दे। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से सवाल कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। आपको रियल स्टेट पर कोई नई वीडियो चाहिए तो रियल स्टेट पे नई वीडियो दूंगा, और यदि आपको मोटिवेशन पे नई वीडियो चाहिए तो मोटिवेशन के ऊपर नई वीडियो दूंगा। मिलता हूँ जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।